हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे टू और मम्मा पापा को मैं घुमाने जा रही हूँ अभी मार्केट। उसके बाद देखते हैं हम कहाँ प्लान करेंगे। हमारा डेविन टाउन जाने का प्लान था बट हमने कैंसिल कर दिया। हमने सोचा इवनिंग में जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे कहीं घूमेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तिरुमाला। मम्मा का कुछ इंडियन वेयर लेना है, कुछ ड्रेसेस खरीदनी थी, तो पहले वहाँ शॉप करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं शॉपिंग। हो गया मम्मा? पापा को टाइम लगता है, पहले शॉपिंग ही करनी है ना। फिर हाँ, पहले शॉपिंग करके ना, बीच पे साथ में ही चलते हैं ना। आज शॉपिंग करके सीधा बीच पे निकल जाते हैं, तो देख लेते हैं। चलो देखते हैं फिर, टाउन शाम को ही चले ना, अभी नहीं जाना ना, लेट भी हो गया। टाउन शाम 5 बजे तक तो हम बातें कर रहे थे। नींद कैसे खुलेगी जल्दी? हाँ, नहीं सही किया, पर वो अच्छी है बहुत। खाना अच्छा बनाती है ना। हाँ, नेचर वाइज भी अच्छी है। जल्दी से पापा रेडी होके आ जाए, फिर चलते हैं, है ना। हाँ, अच्छा कौन कर रहे थे आपको पसंद की? स्टेक भी चाहिए थी ना। हाँ, स्टेक भी चाहिए। स्वीट्स लेने, मम्मा को स्वीट्स बहुत पसंद है। बर्थडे के दिन स्वीट्स खाओ। स्वीट तो डेली खिला। हाँ देखो कौन सी लेनी है घर के लिए। बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, कुछ और भी देख सकते हो। ठीक है ठीक है। क्या जो? हाँ जो वहाँ नहीं मिलती। हाँ ये लग रहा है कुछ। पापा को करेले का अचार दे क्या? वो देखिए ले लो, करेले का अचार वहाँ नहीं मिलता ना। वो क्या है सामने? ये कुछ डेट्स जैसा कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या है। अच्छी लगती है चावल की। ये चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं। ये चिप्स भी ले लो, नाना जी ले क्या देगा। मीठा है थोड़ा, मीठे तो अच्छा था। आप खाली ठीक है, मेरे को मीठे पसंद नहीं आती ना, इधर स्पाइसी चीज चाहिए होती है। खाखड़ा है इधर, पेपर डोसा। पापा पता नहीं क्या देख रहे हैं। ये चावल की है, आप ट्राई करो। अच्छा इस पे भी गार्लिक होगा ठीक है। हम चटनी है, ये वाला चटनी है मेरे। डिफरेंट टाइम की ये वाली कौन सी चटनी है? ये स्वीट मैंगो है। एक चटनी है वाला लाइम चटनी। गार्लिक वाली अच्छी है। अच्छी है, स्वीट नहीं है, स्वादिष्ट भी ज्यादा। स्वीट कम है यस मैम। पीका है इसके लिए, पीका जी। मैं चटनी भी काफी अच्छी है, डिफरेंट टाइम की। फिर अपना माइंड लाइम पिकल रहेगा, पिकल सा चटनियां। हां हम टेस्ट में काफी अच्छे रहेंगे। ये वाला कौन सा है? हम गार्लिक पिकल लेंगे। गार्लिक पिकल देखें, वरना देखो ना गार्लिक तो फेवरेट है। ये मैंगो की वाली है, ये वाली ले लो, आपको पसंद है ना। मैंगो थोड़ा स्वीट होगा ना, स्वीट होगा ना हल्का सा। मुझे स्वीट चीज पसंद आती है ना। मुझे ये केसर वाला है, और ये केसर है और ये नॉर्मल वाला है। अच्छा लग रहा है, गुंडा बना हुआ ले लो। अहमदाबाद का बॉम्बे का चिवड़ा होता है, चिवड़ा वो फाफड़ा होता है। नहीं ये चिवड़ा है, फाफड़ा वो रहा उधर। अच्छा नाना जी बहुत ले जाते जब जाते थे, मूंगफली और चिवड़ा जो नहीं मिलता ले जाएंगे ना। ये वाले मिल जाती है, ये मिलता है चावल का, ये काम मिलता है वहाँ। ये नहीं मिलता, नहीं फाफड़ा तो ये दोनों चीजें रख लो। नहीं फाफड़ा भी ले लो, ये दोनों रख लो और वो देख लो। ये वाले चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये चिप्स देखो कैसे लगे गोलगप्पे। अच्छे हैं, ले लो ना लो। सेव पूरी भी करी है, मैं नहीं खाऊंगी बस। सेव पूरी खाएंगे, सेफ पूरी होती है। अच्छा करो ट्राई लो। तुम लोग एक ही चीज रह गई अब, दाबेली का बदले सीख रहे हो। दाबेली रह गए, वो ट्राई करो। इसमें देखो ये अनार वगैरह डब देना, यही क्या चीज होती है? आलू मिर्च, आलू मिर्च अक्षर है ना। अनार रेडी भी होती है मिलती ना, वहाँ नहीं मिलती। हाँ हम यूपी से हैं, मुरादाबाद। अरे वाह, कमाल।
अगर आपको चाहिए तो अलग से नहीं नहीं दोनों की डालते हैं बस गांडा भी डालते हैं सीम भी डालते हैं सीख लो आप फिर बना के खिलाना घर पे सीख लिया इसको भी आना चाहिए हाँ कुछ तो बन ही जाएगा सेम नहीं बनेगा तो वैसे बन जाएगा थोड़ा सेम बना पाएंगे ऐसे तो इजी है देखने लग रहा है आ गई दाबेली ट्राई करो आप दोनों बताओ खा के कैसे फिर ब्रेड खिलाने लगे पापा यही कंप्लेन करे ब्रेड खिलाए जा रहे हो ये तो अच्छा लगेगा ये क्या है अच्छा वो पीनट्स दिए हैं साइड में हाँ। मैंने भी नहीं खाई कभी पता ही है हाँ। नहीं मैं नहीं खा रही मुझे वैसी मीठी चीज़ें पसंद नहीं आती अच्छी है हल्की सी मीठी हो गई अनार डलता है ना खाओ आप खाओ बताओ अच्छा है आपको तो वैसी मीठी चीज़ें पसंद आती हैं हाँ वो मिक्स रहते हैं मीठा और नमकीन नहीं मैं नहीं खाऊँगी मेरा पेट भर गया मैंने वो सेव पूड़ी खा ली ना अब मन नहीं है नहीं खाया सच में सेव पूड़ी लिया ना आप खाओ मार्केट घूम घूम के मम्मा पापा दोनों थक गए थे तो अब खाएँ कुछ ठंडा पीने क्या लोगे फिर हम लाइम सोडा लाइम सोडा ठीक है डाइट कोक मंगा लेती हूँ पापा भी लाइम सोडा रात को स्मूदी लेनी है स्मूदी पियेंगे रात में अभी पापा कुछ खा लिया ना वो नहीं है ना हाँ काफ़ी हमने चीज़ें टेस्ट कर ली दवेली खाई दवेली दवा सही बोल रहे हो सही बोल क्या दवेली दवेली मुझे खुद नहीं पता शायद दवेली बोलते हैं मैंने खा ली ना कभी पर कोई नहीं पसंद आया उनको जो जो खिलाया बड़ा बहुत फल खिला दिया था तो आप इसके बाद बहुत सारी आइटम लेके गई हाँ बहुत सारी आइटम हो गई हैं जो वहाँ नहीं मिलती जो वहाँ नहीं मिलती वो सारी आइटम हमने यहाँ से खाएंगे काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हाँ ये भी नहीं मिलता ना आइटम दे दिए जो वहाँ नहीं मिलता फ्रेश लाइम आ गया फ्रेश लाइम एंड डाइट कोक फ्रेश लाइम कहाँ है ये तो खाली ग्लास दे गए खाली ग्लास दे गए मुझे खुद मिलाना होगा ना कितना कितना चाहिए खुद तो ना मिलाते हैं फ्रेश लाइम कह रही खुद खुद मिलाना होगा खुद कैसे बनाएंगे जैसा टेस्ट चाहिए वैसा बनाएंगे नहीं शायद बनाएंगे खुद बनाएंगे यहाँ पे हमें नहीं बनाना वो बना के देंगे पापा खुद बनाना होगा ये नया चीज लाई है खुद बनाना होगा बना के दे रहे हैं यार खुद नहीं बनाना आपको खुद नहीं बनाना मसाला डाला हुआ दर्शन मीठा भी डाला है हाँ एक ग्लास में डाल दो डाइट कोक भी मामा हाफ शेयर कर लेना मैं ये भी नहीं पी पाऊँगा कुछ नहीं खाना खाया तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट किया स्मेल कर रही हूँ इसमें है ना मेरी डाइट चल रही है आपको खिलाने लाई हूँ मैं हाँ आपको खिलाने लाई हूँ और अभी हम लोग आ गए हैं जुहू बीच पापा कह रहे हैं ये बीच ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है कल जहाँ गए थे वर्सोवा बीच वहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं था यहाँ तो रहता ही है रश जुहू बीच ज़्यादा फेमस है तो जुहू बीच पे रहता ही है यहाँ घूमेंगे चलो आओ आगे चलते हैं फोटोज क्लिक करते हैं क्या एक घंटा बोटिंग आप बताओ एक्टिविटीज़ हैं पापा आगे ही नहीं आ रहे बोल रहे कितना आगे चले गए तुम लोग जबकि अभी बहुत डिस्टेंस है इतना आगे आई भी नहीं पापा आ ही नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से मम्मा भी रुकी हुई है पीछे अभी बुलाती है उनको किसी भी तरीके से मम्मा आओ ना आगे आगे चलो फोटो करानी है तो आगे कराएंगे ना फोटो भी करानी है तो आगे कराएंगे पानी में थोड़ा आप चलो ना आगे कुछ नहीं होता पापा डर डर के आगे जा रहे हैं शूज़ ख़राब ना हो जाए मैंने कहा था स्लीपर्स पहन के चलो बीच जाना है क्यों नहीं पहना स्लीपर्स मैं बोल रही थी स्लीपर्स पहन लो मैं इसलिए देखो घर वाली स्लीपर्स में आ गई हूँ मैंने नॉर्मल स्लीपर पहन लिया इसलिए मुझे पता बीच आना है आपने भी नॉर्मल स्लीपर पहना ठीक है चलो कोई बात नहीं अब आ जाओ आगे चल के खिंचवाते हैं आगे खिंचवाते हैं भैया थोड़ा और आगे बनाना है फोन में हो गया ऐसे फोटो पापा को हम आगे ले ही आए पापा आ रहे हैं खुद ही जा रहे हैं अब
अब खुद ही जा रहे हो आगे नीचे देखो कोई बात नहीं फलूदा खाओगे पहले ये ले लो। इतना कंफ्यूज होती है मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ऑर्डर करने के बाद ही बोल रही है ये वाला सही रहता शायद, अब खाने के बाद बोलेंगी शायद वही अच्छा रहता पहले ऑर्डर कर दी। हाँ पहले जो सोच रहे थे अभी हमने जो अच्छी होगी वही खाई। हाँ जो अच्छी होगी वही, पर हमने अभी मिक्स कुल्फी कर दी उसमें सब तरीके की आ जाएगी, मिक्स तो अच्छा लगेगा। अभी अलग अलग कर दे कोई भी केसर या वाला तो है ना, अनमोल को खुशी खिला दो, अनमोल सब में खुश है। ये बड़ा कन्फ्यूज कर दी है ना, अब तो हो गया। आप कौन सी खाओगे? हाँ पापा कुछ भी खा लेंगे, वैसे मिक्स वाली करिए तो फिर पसंद आएगी, मिक्स वाली में काफ़ी चीज़ें। हाँ जब भी पूछो क्या खाना है पाव भाजी। हाँ यार सब जगह मोस्टली पाव भाजी, पाव भाजी तवा पुलाव यही है। हाँ मैं तभी बोला कुछ नया ट्राई करो, यहाँ पे अच्छा टाइप की बहुत अच्छी अच्छी कुल्फी है, फलूदा है, बहुत अच्छा लगा। सही बात है, पाव भाजी मम्मी घर पे खिला देंगे, पापा को देख के मन हो रहा है वहाँ भी पाव भाजी बन रही है। ले लूँ खाओगे? एक प्लेट लूँ पापा, खाना है पाव भाजी कल वाली अच्छी थी, कल तो हाई पॉइंट पे खाई थी ना, हाई पॉइंट पे अच्छा मिलता है वहाँ खाना भी अच्छा। हाँ वहाँ अच्छा होता है, अच्छा अच्छी होती है वहाँ पे, ये तो अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कैसा है? स्पून ले लो, एक और लेना है दो, स्पून ले लो, अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें वो चिया सीड्स भी है, ले लो ना पापा, ये चिया सीड्स भी अच्छी लगती हैं, खा लो अब, खा लो फिर चलते हैं, आंटी से भी मिलने जाना है ना, जल्दी कर लो। हाँ सब है इसमें, फलूदा भी है, चिया सीड्स है और वो ऊपर कुल्फी है। हम निकल चुके हैं टाउन, हमने सोचा था वर्ली जाएंगे शिल्पा शेट्टी वाले लॉन्च, बट वो ऑलरेडी फुल है, बात की थी अभी तो एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। बट लेट्स सी अभी कहाँ जाते हैं, कोई फेमस जगह ही जाएंगे और मामा पापा के साथ सेलिब्रेट करेंगे मामा का बर्थडे। हम आगे लियोपोल्ड कैफ़े, हमने सोचा था ताज जाएँ, पर ताज में भी ऑलरेडी बुकिंग हो रखी थी, वहाँ कोई प्राइवेट पार्टी चल रही थी, तो हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे मामा का बर्थडे। चलो कट करो, पहले विश तो मांग लो, आप भी पापा की तरह हो गए हो, वो कैंडी लगे ना, ब्लो नहीं करते हो, अच्छा तो कैंडी लगी हुई है, ठीक है चलो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे वो कर दूं ना, अब बाद में वो करूं पहले पहले कर लो, कोई बात नहीं, विश मांग के हम लोग आ गए घर और मामा पापा को टाउन घुमाया, उनको बहुत अच्छा लगा, रियल मुंबई वो कहलाता है टाउन, तो उनको टाउन बहुत पसंद आया, तो नेक्स्ट टाइम कहते जब हम आएंगे तो अच्छे से टाउन घूमेंगे, इस बार ज़्यादा टाइम नहीं था तो अभी रात के टाइम में थोड़ा घूम पाए। और मामा के लिए मैंने कुछ गिफ्ट लिया था जो मैंने वहाँ नहीं दिया, सोचा घर आके देती हूँ, तो ये रहा मामा का गिफ्ट जो भी मामा को देती हूँ और देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन है। बर्थडे गिफ्ट रह गया था ना, बर्थडे गिफ्ट तुमने बुलाया वो कम था, सरप्राइज था पर फिर भी मुझे पता ही नहीं था, पता है कि अनमोल ने कब मेरा आधार कार्ड निकाल भेज दिया, टिकट बुक करी, एक दिन पहले वो भी ना
उनको फोन आ गया, मुझे पता ही नहीं था मम्मी का। हाँ ये भी आपके लिए बड़े सरप्राइज था। और वो था, अभी ये खोल के देखो और बताओ कैसे लगता है। वो तो चलो सरप्राइज गिफ्ट हो गया, ये वाला गिफ्ट देखो। देखो क्या लाई आपको गिफ्ट। कैसा है ये क्यों लाई? ये क्यों लाई? और क्या, ये तो बर्थडे था इसलिए लाई। ये तो बहुत महंगा गिफ्ट होगा। नहीं ज्यादा महंगा नहीं है। अच्छा। क्यों देती हूँ इतने महंगे महंगे गिफ्ट? कहाँ देती हूँ, बर्थडे पे ही देती हूँ, वैसे कहाँ देती हूँ। नहीं अच्छा था, बेटियों से लेना। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या, बर्थडे पे ही देती हूँ। मैं वहाँ सोच रही थी दूंगी, फिर मैंने वहाँ खोला नहीं, फिर मैं सोचा घर आएंगे तब आराम से बात बात करूंगी, तभी पापा तो सो गए, पापा आप सुबह देखेंगे। अपनी जितनी सेविंग होती है ना सब मेरे बर्थडे पे खर्च कर देती है। तो क्या हो गया, पिछली बार भी इतना महंगा वो दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार भी कोई बात नहीं, मत दिया होगा तुम। अच्छा आप मुझे दे देना ठीक है, मेरे बर्थडे पे अच्छा से। ठीक है, दो रिंग। दो रिंग नहीं, एक रिंग। ना ना दो, एक पिछले दिन वाले की, इस बार नहीं, एक रिंग। नहीं नहीं दो रिंग, एक रिंग। पहले दो रिंग की प्रॉमिस करो तो लूंगी। नहीं, नहीं लूंगी। ऐसे कुछ नहीं होता, अभी आप चेंज करो ये। पहले दो रिंग, ये रिंग्स तो चेंज कर लो। अच्छा मैं देखो तो सही कैसे लगते हैं। प्रॉमिस करो, दो रिंग वो हम बाद में देखेंगे। पहले प्रॉमिस कर लो, दो रिंग। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता ना, तो मैं नहीं तो तब तो ये भी नहीं मिलने लूंगी, कुछ करूंगी मैं। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा। पहले दो रिंग लूंगी तब यूज करो। अच्छा देखते हैं, पहले ये बताओ आपको पसंद आया ना? बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? तो कब चेंज कर रहे हो इयर रिंग्स, जल्दी बताओ। घर जाके करोगे? अभी जल्दी करूंगी ना, फिर ये वाले नहीं वाले बनाएंगे ना जो पहने हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो तो बात है कि वो संभालो, वो पहने। हाँ वो संभालो, संभालो। नहीं घर जाके पहनूंगी, फिर तुम्हें भेजूंगी वीडियो कॉल पे दिखाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन आगे से नहीं दोगी? ऐसा कुछ नहीं, आगे से नहीं दोगी, मेरी मर्जी। या मुझे नहीं बोल सकते, मेरा मन होगा जो वो दूंगी मैं। और अपनी सारी सेविंग दे देती हूँ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, सारी सेविंग ऐसा भी नहीं है। और क्या, कोई बात नहीं। नहीं अब बेटी से लेना मुझे चाहिए। क्यों? और क्या, बेटे बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए कभी भी। वैसे ही आप मेरे को बेटा बोलते हो ना पहले। वो तो है ही, हमारा है ही बड़ा बेटा। आजकल बेटी बेटे से कम नहीं है, बेटी बड़ा बेटा है हमारा, है ना। सुबह फ्लाइट है, मेरा तो मन कर रहा है फ्लाइट कैंसिल करा दूँ मम्मी पापा की और रोक लूँ, पर उनको जाना है, पापा को भी काम है, तो फिर इनको जल्दी बुलाऊंगी। हाँ अनमोल आएगा तब अनमोल के साथ बुलाती हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी जो मुझे घुमानी थी जो रह गई हैं, जो अब नेक्स्ट ट्रिप में कवर होगी, तो फिर जल्दी से बुलाऊंगी और फिर घूमने जाएंगे। ठीक है चलो, ठीक चलो पैकिंग कर लेते हैं, आपको मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग। एक प्रॉमिस के साथ, क्या दो रिंग ले? अरे यार वो प्रॉमिस बाद में करेंगे, ठीक है अभी सोचते हैं, जुलाई बहुत दूर है। अभी पैकिंग कर लेते हैं तो फिर आने जुलाई भी होगा ना, फिर अभी है। सोना भी है ना, तो ठीक है, तो आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। बाय, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है, लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बाय बाय। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, मम्मी पापा को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया, शॉर्ट ट्रिप प्लान किया था उन्होंने, और अभी ऐसा लग रहा है कि सुना सुना सा घर हो गया। दो दिन के लिए आए थे पर दो दिन में ऐसा लगता है घर में रौनक सी हो गई। अब क्या करें, पापा का काम होता है, ज़्यादा दिन रुक नहीं पाते हैं, तो कोशिश करूँगी उनको जल्दी बुलाऊँ, एटलीस्ट मम्मा को तो बुलाऊँ कि वो थोड़े दिन मेरे पास रुकने आए। उनको बोला है मैंने नेक्स्ट मंथ प्लान कर लेना फिर से ट्रिप। तो ये था हमारा ब्लॉग पार्ट टू, होप आपको पसंद आएगा, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।